हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज लेकर आया हूँ सबसे क्यूट सबसे लेजी एनिमल के ऊपर वीडियो। तो आज की मेरी ये डॉक्यूमेंट्री है पांडा के ऊपर, जिसे हम विशाल पांडा, पांडा भालू या केवल पांडा भी कहते हैं। पांडा जिसे चीन में कुछ खास महत्व प्राप्त है क्योंकि पांडा को चीन के राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है। पांडा जो कि भालू की तरह दिखने वाले एक जानवर है। पांडों के शरीर पर सफ़ेद काले मुलायम बाल पाए जाते हैं जो उन्हें भालुओं से अलग करती है। विशाल पांडा नाम का उपयोग हम कभी कभी उन्हें लाल पांडा से अलग करने के लिए किया करते हैं क्योंकि उनके रंग और नेचर इनसे थोड़े भिन्न होते हैं। पांडा का आहार, विशाल पांडा एक मांसाहारी पशु के वर्ग से संबंध रखता है क्योंकि इनका पाचन तंत्र एक मांसाहारी जीव की तरह होता है, परंतु यह शाकाहारी है जो अपने आहार का कुल 99% की पूर्ति बांस के अंकुर और पत्तियों आदि से करता है जो पूर्ण रूप से बांस के ऊपर आश्रित है। एक जंगली पांडा बांस के सेवन के अलावे कभी कभी अन्य घास, जंगली कंद आदि का सेवन करता है। एक पांडा अपने आहार की सीमित ऊर्जा सामग्री की भरपाई के लिए एक दिन में 9 से 14 किलोग्राम तक के बांस के अंकुर खाते हैं, जिसके कारण वे दिन भर में लगभग 40 बार तक शौच कर सकते हैं। पांडा जो देखने में काफी क्यूट होते हैं, वे उतने ही शांत और आलसी भी होते हैं। इनके आलसी होने के पीछे का कारण क्या है जानेंगे आगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है अवि और आप देख रहे हैं पांडा के बारे में। तो पांडा आखिर इतना शांत और आलसी क्यों होते हैं? एक विशाल पांडा जिसका वजन 150 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है, जिसे अपनी ऊर्जा के लिए बांस पर आश्रित होना पड़ता है, जिसमें उनके द्वारा खाए गए बांस में उतना ऊर्जा नहीं मिलती जितना उन्हें चाहिए, जिसके कारण वह शांत रहते हैं ताकि ऊर्जा की खपत से बच सके और ज़्यादा ऊर्जा खत्म ना हो। इसलिए वे चलने के बजाय कभी कभी लुढ़कते हैं और इनका व्यवहार भी इनके वर्ग के प्राणियों की तुलना में काफ़ी अलग होती है। जहाँ एक भालू हिंसक होता है मनुष्य के प्रति, वहीं एक पांडा भालू की तरह हिंसक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। पांडा का निवास क्षेत्र, विशाल पांडा मध्य चीन में कुछ पर्वतीय श्रृंखला में रहते हैं, खास करके सिचुआन में। पांडा चीन के मूल निवासी हैं, जिसे चीन में शांति का प्रतीक भी माना जाता है, जिसमें से लाल पांडा हिमालय की चोटियों, सिक्किम, असम एवं उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है। पांडा का जीवन, एक वयस्क पांडा की लंबाई 3 फीट 11 इंच से लेकर के 6 फीट 3 इंच तक हो सकती है, जिसमें लगभग 4 से 6 इंच की पूंछ होती है। एक नर पांडा का वजन 160 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि एक मादा पांडा का वजन 125 किलोग्राम तक हो सकता है, जिसमें से वयस्कों की औसत वजन 100 से लेकर के 115 किलोग्राम तक हो सकता है। विशाल पांडा ठंडा और गीला मौसम पसंद करते हैं। जंगली पांडा समुद्र तल से करीब 2600 से लेकर के 3500 मीटर की ऊंचाई पर घने बांस के जंगल में रहना पसंद करते हैं। वे झाड़ियों और पहाड़ियों, ढलानों में घूमना पसंद करते हैं। वे गर्मियों में लगभग 13000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ सकते हैं अपने खाने और आवास के खोज के लिए। पांडा में प्रजनन, विशाल पांडा 4 से 8 साल के बीच के उम्र तक पहुँचते पहुँचते प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं। आमतौर पर एक पांडा एक बार में केवल एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन ये कभी कभी जुड़वे बच्चे को भी जन्म देती है, जो जन्म से कुछ दिनों तक देखने पर गुलाबी, अंधे और बिना दांत के होते हैं, जो जन्म के दिन से ही 2 से 3 महीने तक पूर्ण रूप से अपने माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं। इस दरमियान वो चलना भी सीख लेते हैं और लगभग 2 वर्षों तक माँ के साथ ही रहते, खेलते और बड़े होते हैं। पांडा का संरक्षण, विशाल पांडा एक कमजोर प्रजाति के रूप में जाना जाता है, जिसके कम जनदर के कारण और निवास स्थान के नुकसान के कारण इसके लुप्त होने का डर बना रहता है। विशाल पांडा पहले के समय से ही वहाँ के लोगों और विदेशियों के शिकार का लक्ष्य बना रहा है, जो उनके नरम फरसों का स्रोत बने रहे। चीन में जनसंख्या की बढ़ोतरी ने पांडों के जीवन पर बड़ा असर डाला, जिसके कारण उनके शिकार में वृद्धि हो गई, जिसके बाद 1963 में पीआरसी सरकार ने पांडा आबादी को बचाने के लिए वोलोंग नेशनल नेचर रिजर्व की स्थापना की, जिसके कारण कुछ सुधार आया और 1990 तक कई कानून बनाए गए, जिसमें बंदूकों के नियंत्रण और मूल निवासियों को वहाँ से हटाया गया, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में जंगली पांडा की संख्या में वृद्धि शुरू हो गई। फिर भी पांडा को आज भी एक दुर्लभ प्रजाति के रूप में बांटा जाता है। 2006 में पांडों की संख्या 1000 से कम बताया गया था,
जो 2015 तक विशाल पांडा की आबादी बढ़कर 1864 हो गई थी, जो आज के समय में उससे भी अधिक होगी। 2016 में IUCN रेड लिस्ट में से एंडेंजर्ड स्पीसीज में से पांडा को वल्नरेबल प्रजाति में शामिल किया गया है। आज पांडा दुर्लभ जाति के नाम से जाना जाता है, जिसे फ्यूचर में फिर कभी इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल होने से बचाया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्लाइमेट को जितना हो सके साफ रखने की पूरी कोशिश करें, और ऐसे और डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिस इज अभी साइनिंग आउट।